आप सबको स्वागत है। आज हम 17 अगस्त की शुरुआत में पहुंचे हैं। एक है जो कि दुनियावी तरीके से हमें बादशाही मिलना और एक है परमात्मा के द्वारा बादशाही मिलना। दोनों में बहुत ही अंतर है और एक है जो कि कुछ समय के लिए होती है लेकिन दुखों से भरी हुई होती है और एक होती है जो कि हमेशा सुखों से भरी होती है जिसमें हम बेफिक्र बादशाह बनते हैं। तो आज का जो वरदान है इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, इन्हीं बातों के ऊपर है। तो परमात्मा आज के वरदान में अपने शब्दों में कहते हैं, सब कुछ बाप हवाले कर, संगम युगी बादशाही। कलयुगी नहीं, संगम युग। कलयुग का परिवर्तन सतयुग तक हो रहा है, तो ये बीच का समय जो है संगम युग है। आप सारे संसार में परिवर्तन होते देख रहे हैं, इंसानों के अंदर भी जागृता आ रही है, आध्यात्मिकता की तरफ चल रहे हैं, धर्म सत्ताएं भी आध्यात्म की तरफ ज्यादा रुचि रख रही हैं और लोग आजकल देख रहे हैं चारों तरफ कैसे 5 तत्व हवा पानी ये सब कुछ बदल रहा है और परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो बाढ़ों के द्वारा हो चाहे वो भूकंपों के द्वारा हो, पृथ्वी भी परिवर्तन हो रही है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, सब कुछ बाप हवाले कर, संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। तो एक होता है राज तिलक जो कि मिलता है परमात्मा कहते हैं धन दान करने से, एक होता है वोटों के द्वारा जो कि आजकल कलयुग में होता है। तो आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है, लोग आपको बहुत आपकी वाह वाह करते हैं, आपको ऊंचा चढ़ाते हैं, या वोटों से मिलती है। लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया, जैसे हम आत्माभिमानी हो जाते हैं तो हम सत्यों की तैयारी के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तो हम राज्य स्वराज्य स्व के ऊपर राज्य करने वाले होते हैं। और इंसान जो परमात्मा कहते हैं जो कि वोटों के द्वारा या धन दौलत दान करने के द्वारा उनको मिलती है बादशाही मिलती है, लेकिन वो इंसान उनको बादशाही देता है या इंसान उनको ऊपर चढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे परमात्मा हमें ऊपर चढ़ाते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, एक हो गया विश्व रचयिता आपको ऊपर चढ़ाए और एक हो गया विश्व रचयिता की रचना आपको ऊपर चढ़ाए। हाँ, वोट मिलेंगे तो दुनिया वालों से मिलेंगे, लेकिन ये जो वोट है ये परमात्मा से मिलता है। फिर परमात्मा कहते हैं, बेपरवाह बादशाह, ये कितनी अच्छी स्थिति है। परवाह किसकी करनी है, जब कलयुग जा रहा है कुछ रहने नहीं वाला तो परवाह किसकी करनी है, हमें जब पता चल गया कुछ रहने नहीं वाला तो फिर हाय तौबा क्यों करनी है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी। अगर बाप हवाले नहीं किया है, मेरापन है, मेरी चीज है, मेरा धन है, मेरा बंगला है, मेरा गाड़ी है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो हाँ तो परवाह होगी। लेकिन अगर परमात्मा का है तो परमात्मा उसका रास्ता खुद ही ढूंढते हैं। किसको होगी, बाप को, तो परवाह किसको होगी, बाप को। लेकिन अगर अपना ही बना के रखा है तो फिर बाप परवाह नहीं कर सकते हैं। फिर कहते हैं, सब कुछ तुम लौट खुद ही ले लो, फिर सोचो सोल्यूशन निकालो, परवाह करो बाहर निकलने की, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो, कहे मुख से हाँ जो भी दिया भगवान ने तो दिया है, जितना भी है भगवान का ही खा रहे हैं हम, लेकिन जब सिचुएशन आए, जब कुछ गड़बड़ हो तो फिर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, इसको ऐसे नहीं हो सकता होना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए था, ये सब कुछ करना मतलब कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसा ना हो कि आप थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले है, मतलब कि अगर हम परमात्मा के अनुसार अगर हम कर्म कर रहे हैं, परमात्मा के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके गाइडेंस के अनुसार सोच पवित्र रख रहे हैं, चाहे इंसान जितना भी कड़वा हो, जितना भी हमें तंग करने की कोशिश करो, लेकिन हमने श्रीमत के अनुसार उनके प्रति कोई भी दुर्भाव या उनके प्रति कोई भी बुरी भावना या कुदृष्टि या घृणा या नफरत ना रख करके अगर हम कर्म कर रहे हों, अपने तरफ आगे बढ़ते जा रहे हों जो हमारा लक्ष्य है, बिना किसी को बुरा भला कहे, तो परमात्मा कहते हैं तो फिर बाप के हवाले है वो। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट, सच्चे दिल से, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज, मन के अंदर सोच लीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या मैंने सच्चे दिल से किया कि नहीं किया। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट, मतलब कि हल्के रहते हैं, मन से भी हल्के, भावनाओं से भी हल्के, और जो हल्की चीज होती है वो हमेशा उड़ती है, मतलब परमात्मा की याद में रहती है।
अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। तो ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट, मन से भी लाइट, कर्तव्य से भी लाइट, बोल से भी लाइट, और हल्के मन से अगर लाइट है तो ऑटोमेटिकली हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं, हमें कोई भी चीज के लॉस, प्रॉफिट, जय पराजय, निंदा स्तुति की हमें कोई परवाह नहीं होगी, असर नहीं पड़ेगा उसका। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को पहचाने और परमात्मा के साथ में योग लगाएं, और जो कि सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। ओम शांति।